1932 का खतियान झारखंडियों की पहचान। 1932 का खतियान एक संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा है और झारखंडियों की पहचान और अस्मिता से जुड़ा हुआ है। और स्थानीय व्यक्ति कौन हो और इसके आधार पर स्थानीय नीति लागू करने के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस CMM राजद की सरकार ने जो मंत्रिपरिषद में जो निर्णय लिया है, हम इसका स्वागत करते हैं और ये हम इसका समर्थन करते हैं और उन्हें बधाई भी देते हैं। और कुछ लोगों ने ये बातें एक भ्रम की स्थिति पैदा की है इसमें कि 1932 के खतियान संविधान के प्रतिकूल है, तो मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज जो हमें जब भी इस झारखंड में 40% से ज़्यादा हमारा खनिज संपदा है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं BCCL हो, टाटा हो, बोकारो हो, ये बड़े बड़े सिंचाई परियोजना के माध्यम से करोड़ों लोग विस्थापित हुए हैं, तो डेमोग्राफी तो चेंज हुआ है, तो आज उनको न्याय देने की बातें आ रही है तो उन्हें ही, जिन्होंने देश के विकास में उन्होंने महती भूमिका निभाई है, उन्हें ही आज अन्यायी साबित करने का प्रयास किया था, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1932 हमारी पहचान, हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पे उड़ीसा क्यों बनाया, उड़िया बोलने वालों के लिए, बंगला बोलने का बांग्लादेश बनाया, मराठा बोलने का महाराष्ट्र बनाया, तेलुगु बोलने का तमिलनाडु बनाया, तो उन्होंने भाषा को आधार बनाया। उसी प्रकार हमारी सरकार ने 1932 के खतियान को आधार बनाया जिसके आधार पर हम स्थानीय व्यक्ति को चिन्हित कर सके। और जिस संविधान का हवाला देते हैं, मैं स्पष्ट करता हूँ, उसी संविधान ने कहा है, जिसके हाईएस्ट इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि भारत का नागरिक हर राज्य का स्थायी निवासी नहीं हो सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, लोकसभा सचिवालय से प्रकाशित होने वाला समाचार मंजूषा January 2002 के अंक 1 में देखी जा सकती है। साथ ही साथ मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस संविधान का हवाला दे रहे हैं, इसी संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अनुसार 5वीं अनुसूची का भी जिक्र है, जहां सरकार का दायित्व तो बनता है कि यहां पे आदिवासियों के शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई आधार पे उनका संरक्षण करें और डेमोग्राफी चेंज ना हो, ये भी तो सरकार का दायित्व है, ये कल्याणकारी राज्य है। और मैं समझता हूँ कि ये अभी तो मंत्रिपरिषद से पास हुआ, अभी बिल अभी विधानसभा में आना है, उनको अपनी बातों को रखने का अवसर है। और बहुत सारे विषय जिन्होंने बातें कही हैं कि जिनका 1932 का खतियान नहीं है, तो मैं आपको सारे लैंड रिकॉर्ड्स बतला सकता हूँ, जो कैडस्ट्रल सर्वे हुआ है उसमें कैडस्ट्रल सर्वे 1897 है, 1900 है, 1925 है, 32 के पहले के कैडस्ट्रल सर्वे है, और कैडस्ट्रल सर्वे ही सारे डिटेल्स भी दिए हुए हैं, तो इसमें कोई चिंता करने की बातें नहीं है। लेकिन सरकार गंभीर है, कल्याणकारी राज्य है, उन सारी चीज़ों को देखेगी और कैसे एड्रेस की जा सकती है उन चीज़ों को देखेगी। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि कुछ लोग जो आरोप लगाते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करते, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है कि विचारों की भिन्नता, आपके निर्णय से असहमति बहुत स्वाभाविक है, लेकिन गांधी के देश में जब भी निर्णय होगा गांधीवादी तरीके से होगा, कोई गोडसे के तरीके से नहीं होगा। साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर विगत 300 सालों से असम में, असम के टी गार्डन में, बंगाल के कुछ पार्ट्स में, आपके ये अंडमान में 300 साल से आदिवासी वहाँ निवास कर रहे हैं, उन्हें ट्राइबल का स्टेटस नहीं मिला, उस राज्य की अपनी पॉलिसी है। तो हम सोचते हैं कि भाई मैं आपको कहाँ यहाँ से किसी, ये सबके सहयोग से मैं समझता हूँ यहाँ के विकास में सबका योगदान रहा है, लेकिन स्थानीय व्यक्ति कौन है ये आधार तो कुछ ना कुछ तो सरकार निर्णय करेगी ना। इसलिए मैंने कहा कि किराएदार लाख सक्षम हो जाए, लाख धनवान हो जाए, लेकिन वो मकान मालिक नहीं हो सकता, बहुत स्पष्ट है। और कहीं ना कहीं 1932 का जो खतियान है झारखंडियों के अस्मिता और पहचान से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप
हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।